hello students standard 8 direct and in inverse proportions mohan prepares tea for himself and his sister he uses 30 ml of water 2 spoons of sugar 1 spoon of tea leaves 50 ml of milk how much quantity of each item will he need if he has to make tea for 5 persons मतलब दो जन के लिए वो इतनी चीज़ें लेता है तो फाइव पर्सन के लिए कितनी चीज़ें लेगा इफ टू स्टूडेंट्स टेक ट्वेंटी मिनट्स टू अरेंज चेयर्स फॉर एन असेंबली देन हाउ मच टाइम वुड फाइव स्टूडेंट्स टेक टू डू द सेम जॉब कम टाइम लगेगा राइट दो स्टूडेंट्स को ट्वेंटी मिनट्स लगे लगती है चेयर अरेंज करने में असेंबली में तो फाइव स्टूडेंट्स अगर अरेंज करेंगे तो कम टाइम लगेगा ना तो ज़्यादा स्टूडेंट है तो कम टाइम लगता है ओके तो ये इन्वर्स प्रपोशन हो गया और फर्स्ट में क्या था दो जन के लिए उसको इतनी चीज़ें ज़रूरी है चाय बनाने में पांच जन के लिए वो करेगा तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए चीज़। मतलब पर्सन बढ़ते हैं तो चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए राइट तो वो डायरेक्ट प्रपोसन है ओके डायरेक्ट इन इनवर्स प्रपोसन ऐसे ही है एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है तो इनवर्स होगा एक एक है दूसरी बढ़ती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया वी कम अक्रॉस मैनी सच सिचुएशंस इन अवर डे टू डे लाइफ वेर वी नीड टू सी वेरिएशन इन वन क्वान्टिटी ब्रिंगिंग इन वेरिएशन इन द अदर क्वान्टिटी राइट तो हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें एक क्वान्टिटी लाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी में वेरिएशन आता है फॉर एग्जांपल, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इंक्रीजेस राइट द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस ओके ज़्यादा आर्टिकल खरीदेंगे तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी मोर द मनी डिपोजिटेड इन अ बैंक मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न राइट ज़्यादा मनी डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेस

कम लगेगा वर्क कम्प्लीट करने में ऑब्जर्व दैट चेंज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन द अदर क्वांटिटी एक क्वांटिटी में चेंज होता है तो दूसरी क्वांटिटी में चेंज होता है राइट राइट फाइव मोर सच सिचुएशंस सिचुएशंस वेर चेंज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी जैसे पांच ज़्यादा एग्जांपल्स दीजिए जिसमें एक क्वांटिटी में चेंज होता है तो दूसरी में भी चेंज होता है हाउ डू वी फाइंड आउट द क्वान्टिटी ऑफ ईच आइटम नीडेड बाई मोहन राइट मोहन को हर एक क्वान्टिटी कितनी चाहिए वो हम कैसे फाइंड करेंगे और द टाइम फाइव स्टूडेंट्स टेक टू कम्प्लीट द जॉब राइट या तो फाइव स्टूडेंट्स को कम्प्लीट जॉब करने में कितना टाइम लगेगा वो तो कैसे फाइंड करेंगे टू आंसर सच क्वेश्चन वी नीड टू स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन राइट तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें वेरिएशन स्टडी करना पड़ेगा डायरेक्ट प्रपोजन इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन के जी ऑफ सुगर इज़ एटीन रुपीज़ देन वॉट वुड द कॉस्ट ऑफ थ्री के जी शुगर राइट एक एक के जी शुगर का एटीन रुपीज़ है तो थ्री के जी शुगर का कितना होगा इट इज़ फिफ्टी फोर राइट तो क्या किया है यहाँ पर हमने यूनिटरी मेथड से करेंगे के जी रुपीस वन के जी का एटीन रुपीस है तो थ्री के जी हाउ मच राइट तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू एटीन एटीन थ्री जा फिफ्टी फोर रुपीस राइट ओके सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फाइव के जी और एट के जी ऑफ शुगर राइट तो वैसे ही हम फाइव के जी और एट के जी सुगर का भी कॉस्ट फाइन कर सकते हैं स्टडी द फॉलोइंग टेबल वन के जी का एटीन रुपीज़ है राइट right? तो एटीन थ्री ज़्या एटीन थ्री ज़्यामने किया फिफ्टी फोर एटीन फाइव ज़्या करेंगे तो नाइन्टी एटीन सिक्स ज़्या करेंगे राइट right? एटीन सिक्स जा वन जीरो एट एटीन एट जा वन फोटी फोर एटीन टेन जा वन एटी राइट तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया है ये आपको लिख देना है नोटबुक में टेबल ऑब्जर्व दैट वाज वेट दैट एज वेट ऑफ शुगर इंक्रीजेस कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस ओके जैसे वेट ऑफ शुगर बढ़ता है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता है इन सच अ मैनर दैट रेशियो रिमेंस कॉन्स्टेंट राइट जिससे उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है टेक वन मोर एग्जाम्पल सपोज अ कार यूज़ फोर लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी किलोमीटर तो एक कार है जो सिक्सटी किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए फोर लीटर पेट्रोल यूज़ करती है हाउ फार व ई ट्रावेल यूजिंग ट्वेल लीटर राइट तो ट्वेल्व लीटर वो यूज़ करेगी तो so, कितने किलोमीटर कवर करेगी राइट right. तो so, हम क्या करेंगे इसमें फोर लीटर का थ्री टाइम्स है ट्वेल्व तो सिक्सटी का थ्री टाइम्स क्या होगा वन एटी ओके तो वन एटी किलोमीटर वो ट्रावेल करेगी द आंसर इज वन एटी किलोमीटर how did we calculate it since petrol consumption in the second instance is 12 liter that is three times of 4 liter the distance travel will also be three times of 60 kilometer in other words when the petrol consumption becomes three fold the distance travel is also three fold the previous one लेट द कंजम्पन ऑफ द पेट्रोल बी एक्स लीटर राइट एंड द करस्पन्डिंग डिस्टेंस ट्रावेल वी बाई किलोमीटर राइट नाउ कंप्लीट द टेबल तो फोर लीटर है तो सिक्सटी किलोमीटर तो फोर का डबल करते हैं तो सिक्सटी का डबल क्या होगा सिक्सटी का डबल क्या होगा वन ट्वेंटी फोर का ट्रिपल है वन ट्वेंट ट्वेल्व फोर थ्री जा ट्वेल्व तो सिक्सटी थ्री जा वन एटी फोर अभी फोर के टेबल में फिफ्टीन तो नहीं आता राइट ट्वेंटी आता है फोर फाइव जा ट्वेंटी तो सिक्सटी फाइव जा कितना होगा थ्री हंड्रेड राइट देन अभी ये बाकी जो है उनके लिए यूनिटरी मेथड करेंगे फोर के लिए फिफ्टीन है फोर फोर के लिए सिक्सटी है राइट फोर के लिए सिक्सटी है तो फिफ्टीन के लिए हाउ मच राइट तो क्या हो जाएगा ये दोनों कट हो जाएंगे फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी हो जाता है फिफ्टीन फिफ्टीन जहाँ कितना हुआ टू टू फाइव टू टू फाइव आएगा इधर यहाँ पर कितना था वन ट्वेंटी यहाँ पर कितना था फोर फाइव जाए तो सिक्सटी फाइव जा थ्री हंड्रेड और सेम वे यहाँ पर फोर फोर के लिए सिक्सटी तो ट्वेंटी फाइव के लिए हाउ मच ओके तो फोर फिफ्टीन जा फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव जो आंसर मिलेगा वह आएगा आंसर फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव वन फाइव जा फाइव फाइव प्लस टू ट्वेल्व राइट वन फाइव जा फाइव फाइव टू जा टेन 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 प्लस फाइव फिफ्टीन और ये है तो थ्री सेवेंटी फाइव मिलेगा हमें आंसर थ्री सेवेंटी फाइव राइट फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव वन फाइव जा फाइव फाइव प्लस टेन तो फिफ्टीन सेवेंटीन राइट तो सेवन लिखा वन इधर वन टू जर टू प्लस वन तो थ्री सेवेंटी फाइव मिला तो ये टेबल भी आपको अपने बुक में करना है राइट मेथड बताई मैंने तो एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज इज द वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजिज राइट इन सच अ वे दैट द रेशियो एक्स अपॉन वाई डज नॉट चेंज इट रिमींस कॉन्स्टेंसी के इन दिस केस इट इज़ वन फिफ्टींथ राइट वी सी दैट एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट proportion इफ एक्स upon वाई इज इक्वल टू के और एक्स इज इक्वल टू के बाय राइट तो एक्स अपॉन वाई का रेशियो कांस्टेंट है ओके इन दिस एग्जांपल फोर अपॉन सिक्सटी इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई वन एटी वेर फोर एंड वन फोर एंड ट्वेल्व आर क्वान्टिटीज ऑफ पेट्रोल कंज्यूम इन लीटर्स एंड सिक्सटी एंड वन एटी आर द डिस्टेंसेस वाई इन किलोमीटर सो वेन एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोशन वी कैन से एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू वाई वन एंड वाई टू आर वैल्यूज ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज़ एक्स वन एक्स टू ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली द कंजम्पन ऑफ पेट्रोल एंड डिस्टेंस ट्रावेल बाय अ कार इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोशन राइट मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ज़्यादा पेट्रोल उसको चाहिए इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी सिमिलरली टोटल अमाउंट स्पेंड एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन जितने ज़्यादा आर्टिकल परचेज करेंगे उतने ज़्यादा अमाउंट हम स्पेंड करेंगे तो वो भी डायरेक्ट प्रपोसन है राइट तो इसके बाद वाला हम बाद में करते हैं